सबसे पहले प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दीक्षा। फर्स्ट में आ गया दीक्षा नेशनल, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको इंस्टॉल करो और इसको डाउनलोड करके ओपन करो। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन कर लो अभी। ये हमारा ऐप ओपन हो गया। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, और यहाँ पे हम करेंगे अदर। और यहाँ से हमारा अभी ओपन हो रहा है। यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करेंगे, वर्ड हमने करना है आई गॉट हेल्थ, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसके बाद में हमने मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम हम हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे क्लास, क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास में हम करेंगे अदर स्टेट ऑफिशियल्स, आप जो भी हैं, डॉक्टर हैं, एएनएम हैं, पैरामेडिक्स हैं, पुलिस हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अदर स्टेट ऑफिशियल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब सेलेक्ट किया है। यहाँ पे सबमिट कर दो, यहाँ से सबमिट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से हमने जो तीन डंडे दे रखे हैं वहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी हमारा भर देना है। यहाँ से ईमेल आईडी भरने से लॉगिन नहीं होगा, आपको करना है जो नीचे दिया ना लॉगिन विद गूगल, यहाँ पे सेलेक्ट करो। इससे जो भी आपने सिस्टम में लॉगिन कर रखा है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। जो भी आपने पहले लॉगिन कर रखा है वहाँ से सीधा आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ओपन हो गई हैं। इनको हम पढ़कर और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास फिर से बोर्ड आएगा, बोर्ड हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे आई गॉट हेल्थ। मीडियम सेलेक्ट करेंगे हिंदी। क्लास, क्लास पे वही हमने जो पहले किया था अदर स्टेट ऑफिशियल्स, सेव करेंगे इसको। ये हमारा सेव हो गया है। यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिर से हमने सबमिट किया और हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद हमने करना है ट्रेनिंग पे क्लिक, नीचे जो आ रहा है ना ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास थोड़ा प्रोसेसिंग लेके ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने ऊपर सर्च बार में टाइप करना है, ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे कोविड 19 बेसिक, और इसको हम सर्च करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन आएगी बेसिक्स ऑफ कोविड 19। आपने ये कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, आप चाहे तो अदर कोर्स भी कर सकते हैं लेकिन ये बेसिक मस्ट है। इसके पास हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा ज्वाइन ट्रेनिंग, जहाँ से दोस्तों हमने ज्वाइन ट्रेनिंग कर लेना है। जहाँ से हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन हो जाएगी और हमारे पास ये कोर्स ओपन हो जाएगा। इससे यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट नाउ पे, जो ग्रीन लिखा आ रहा है ना स्टार्ट नाउ, यहाँ से ये हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे पास इसके चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू कोविड 19 है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों हमें सारा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जितने मॉड्यूल्स दे रखे हैं इन्होंने वो हमें सभी एक बार देखने पड़ेंगे। इनमें कुछ पीडीएफ है, जैसे हमने फर्स्ट को क्लिक किया प्ले किया तुम्हारे पास ये एक पीडीएफ ओपन होगा। इसमें बेसिक जानकारी दी हुई है कोविड 19 के बारे में, उसको दोस्तों आप पढ़ लेना। जी हमारे पास लोड हो रहा है, इसको हम सारा पढ़ लेंगे और बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल नीचे आपके पास ये लिखा आएगा योर कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, इससे हमारा अगला जो टॉपिक है वो आ जाएगा।
अगला हमारा आ गया इंट्रोडक्शन टू कोविड-19। यहाँ से इसको फिर प्ले करेंगे, लोड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, एक वीडियो प्ले होगी दोस्तों। आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। आप अगर इसको आगे करके छोड़ देंगे, मान लो आप नेक्स्ट करेंगे जा इसको स्क्रॉल से आगे करेंगे, तो दोस्तों हमारा जो परसेंटेज है कोर्स का वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। जी एक मिनट का ये वीडियो है, इसके बाद अपने आप हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। इससे फिर हम आगे नेक्स्ट कर देंगे। ये टाइम लिखा आ रहा है कितने टाइम में आपने कोर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास मैथ्स ऑन कोविड-19, इसको भी प्ले करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगी दोस्तों। ये वीडियो लगभग 10 मिनट की है। मैं इसको एक बार पूरा यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इसको नेक्स्ट करूँगा। परंतु आपको सभी कोर्स देखने पड़ेंगे, पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और ऐसे ही चलते रहना है, नेक्स्ट आपको करते रहना है, और पूरा कोर्स आपने वॉच करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारा परसेंटेज लिखा रहा है 12% कंप्लीटेड। इसी तरह दोस्तों अगर आप सारे कोर्स देखोगे तो आपका 100% कंप्लीट लिखा आ जाएगा। जो हमने कोर्स देख लिया उस पर डन लिखा आ जाएगा, जो आपके पास आ रहा है ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कोविड-19, इस पर डन लिखा है, बाकी पे नहीं लिखा रहा। जैसे जैसे आप सभी को वॉच आउट कर लोगे, सभी पे डन लिखा आ जाएगा, परसेंटेज लिखी आ जाएगी कि आपने 100% कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज और करनी है, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो जीमेल से, आपका जो प्रोफाइल नेम है वो वही शो करेगा। जैसे मैंने ओरिजिन क्लासेस से लॉगिन किया था, तो ये ओरिजिन क्लासेस ही नेम शो कर रहा है। जहाँ से आपने अपना खुद का नेम चेंज करना है ना, जो भी आपका नेम है प्रोफाइल में जाके एडिट करके, जैसे मेरा नाम संदीप कुमार है, मैंने यहाँ पे संदीप कुमार भर लिया, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा उस पर वही नाम लिखा आएगा जो आपका प्रोफाइल नेम होगा। सो इसको ध्यान से आप अपना नेम चेंज कर लेना, प्रोफाइल में जाके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे आपके पास से OTP मांगेगा। हमारे पास OTP आ गया है, इसको हम अभी इसमें एंटर करेंगे। OTP को एंटर करने के बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारा बिल्कुल जो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोफाइल हमारा सेट हो गया, नेम हमारा चेंज हो गया, मोबाइल नंबर ऐड हो गया, ये था हमारा प्रोफाइल। और दोस्तों ट्रेनिंग में हमारा जो हम कोर्स कर रहे हैं वो हमारे पास शो होता रहेगा। आप अगर मान लो भी इसको बंद करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद फिर से जाके ट्रेनिंग में खोल के उसको फिर से दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ही सारा देखना पड़ेगा, आप जब चाहें उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ जिसे जनरेट करना है। आप प्रोफाइल खोलेंगे, उसमें आपके पास लिखा आएगा बेसिक ऑफ कोविड-19 डाउनलोड। दोस्तों ये है आपका सर्टिफिकेट, इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया। आप उसको PDF व्यूअर में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये है आपके पास आपका सर्टिफिकेट। मैंने जो मेरे नेम से लॉगिन किया था, मैंने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा पूरा जब 100% होगा तो ही मेरा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये मैंने एक पहले से कर रखा है, वो आपको दिखा रहा हूँ। आप जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो आप प्रोफाइल में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।